अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना चलो लेट स्टार्ट विदेश वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज You have been provided with 3 test tubes one of them contains distilled water other two contains acidic and basic solution respectively if you are given only red litmus paper हाउ विल यू आइडेंटीफाई द कॉन्टेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब सो बेसिकली आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है एक में एसिडिक सल्यूशन है और एक में बेसिक सल्यूशन है और आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है तो अब हमारे पास यहाँ पे रेड लिटमिस पेपर है ऑलरेडी मतलब कि अगर एक सोल्यूशन रेड लिटमिस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है सो दैट विल बी बेसिक सोल्यूशन ठीक है अब रेड लिटमिस ब्लू में कन्वर्ट हो गया एंड यू है यू आर नाउ लेफ्ट विथ डिस्टिल्ड वाटर और एसिडिक सोल्यूशन अब ये वापस से अगर कोई सल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है मतलब कि वो एसिड होगा और किसी का भी कलर चेंज uh, नहीं हो रहा है ना ही रेड लिटमस के केस में ना ही ब्लू लिटमस के केस में तो वो आपका क्या होगा दैट विल बी योर डिस्टिल्ड वाटर ठीक है सो इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड लिटमस पेपर हो चाहे चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो ठीक है सो दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वाई शुड कर्ड एंड सार सबस्टेंसेज नॉट बी कैप्टन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है राइट तो कर्ड हो चाहे कोई सार सब्सटेंसेस हो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो आपका ब्रास हो गया एंड कॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रास इज़ एक्चुअली एन अलॉय ठीक है और कॉपर अगेन इट्स अ मेटल तो यहाँ पे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ पॉसिबल है बिल्कुल है ना तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना सकता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी इज नॉट एट ऑल गुड इन रियल लाइफ एंड इन आवर बॉडी सो दैट इज द रीज़न कि हम कर्ड या खट्टी चीज़ों को ब्रास या कॉपर के वेसल्स या कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते ठीक है बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है रिएक्शन कैन हैपन इट कैन फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अगेन आपका टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर आवर बॉडी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गैस इज यूजुअली लिब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस तो अगर मैं मेटल का रिएक्शन एक एसिड के साथ कराऊंगी तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक लिया है इसका रिएक्शन मैं करा रही हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ठीक है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये यह यहाँ पे सॉल्ट बना रहा है विच इज़ जिंक क्लोराइड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो गैस लिबरेट होती है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस पूछ रहा है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस फॉर दिस गैस आपको पता कैसे चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है सो हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन है

उसका रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो एफरवेस बना रहा है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एक पर्टिकुलर गैस निकल रही है इस रिएक्शन में और इस गैस का आइडेंटिफिकेशन ये दिया गया है कि इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस मतलब कि वो कैंडल को बुझा देता है राइट right? तो आपको ये पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और आपको एक और चीज दी गई है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज योर कैल्शियम क्लोराइड ठीक है तो यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट है आपका दैट इज सी थ्री अब सी थ्री ही क्यों हुआ मैम क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज कैल्शियम कार्बोन कैल्शियम क्लोराइड तो जो मेटल कार्बोनेट होगा वो कैल्शियम का होगा राइट right? अब यहाँ पे मैं रिएक्शन कराऊंगी इसका किसके साथ डायल्यूट एच के साथ तो so, हमने पढ़ा है मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब भी एसिड के साथ होता है वो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है तो so, यहाँ पे क्या बनेगा CaCl2 plus H2O plus CO2 तो so, यहाँ पे जो गैस बन रहा है दैट इज योर CO2 मेटल कार्बोनेट ए इज योर CaCO3 और क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था लेट अस चेक दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक तो इट एक्सटिंग द बर्निंग कैंडल अपार्ट फ्रॉम दैट उसका आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की लाइम वाटर इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड गया जब उसमें आप पास कराओगे फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट जिस वजह से दैट इज दो आइडेंटिफिकेशन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की जो आपका यू नो क्लाउडीनेस या मिल्कीनेस बन रहा है वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सी एस सी ओ थ्री बन रहा है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द सॉलिड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर तो आपसे पूछ रहा है कि HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HNO3 जो कि आपका नाइट्रिक एसिड है ये एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ठीक है लेकिन बोल रहा है कि अगर आप ले लो C2H5OH एल्कोहल या फिर कोई ग्लूकोज ले लो सी सिक्स एच टिक्स दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एसिड्स ऐसा क्यों होता है भाई एच तो दोनों में हैं पर यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है आयोनाइजेबल एच प्लस आय सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं इसका एक्वस्ट सोल्यूशन लूँ इफ आई हैल इन वाटर इट ब्रेक्स डाउन इन टू एच प्लस और सी एल माइनस अगेन एच प्लस जो है कैनोट एग्जिस्ट अलोन तो ये वाटर जो प्रेजेंट है उसके साथ मिलके H3O+ जो कि हाइड्रोनियम आयंस है वो बना देता है ठीक है तो HCl हो गया HNO3 H2SO4 CH3COOH ये सब एसिड्स इसलिए कहलाते हैं ये आपको सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास आयोनाइजेबल H+ आयंस है ऐसे आयंस जो सेपरेट हो जाते हैं पानी में बट इन द केस ऑफ अल्कोहल या ग्लूकोज क्या कहानी है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में देर आर नो आयोनाइजेबल एच प्लस आयन्स देर आर नो आयोनाइजेबल एच प्लस आयन्स यहाँ पे ऐसे आयन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जो सेपरेट हो है ना तो इसलिए आप इसको एसिड क्लासिफाई नहीं कर सकते हो ठीक है चलो वाई डल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब आप एक्व सल्यूशन लेते हो एसिड का तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है क्योंकि जब हम एक्वस सल्यूशन ले रहे हैं एसिड का तो यहाँ पे मोबाइल या फिर आप बोलो फ्री H प्लस आयन्स हैं ठीक है मोबाइल H प्लस आयन्स हैं इजिली मूव कर सकते हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयन्स वो अच्छे से घूम फिर रहे हैं नाच गा रहे हैं सोल्यूशन में दैट इज द रीज़न कि एक्व सल्यूशन ऑफ़ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ठीक है चलो वाई डज ड्राई एच सी एल डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर सो ड्राई एच सी एल गैस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा ठीक है एसिडिक प्रॉपर्टी कोई एसिड तभी शो करेगा जब आपने उसका लिया है में वो H देगा एंड इट इज सेटेड इन टू अदर जो आपका एनायन पार्ट है ठीक है अब आपने ड्राई एच सी एल लिया है तो ड्राई एच सी एल में फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो एसिडिक प्रॉपर्टी एच प्लेस आयन्स का यू नो डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है इसलिए वो ड्राई ड्राई एच सी एल गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है

कॉन्स्टेंट स्टरिंग तो यहाँ पे इट इज नॉट दैट एक्जोथर्मिक इट इज नॉट दैट एक्जोथर्मिक बट इफ यू आर एडिंग वॉटर टू एसिड अगर आप वाटर टू एसिड एड कर रहे हो ये वाला पर्टिकुलर चीज इज नॉट गुड इट इज हाईली एक्जोथर्मिक ठीक है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक मतलब कि बहुत अमाउंट में हीट बाहर आती है हीट इज़ गिवन आउट है ना अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हीट इज़ गिवन आउट मतलब देर आर हाई चांसेस कि अगर आप किसी यू नो कंटेनर में या बीकर में वो रिएक्शन कर रहे हो वो आपका बीकर टूट सकता है आपको चोट लग सकती है द रिएक्शन कैन स्प्लैश आउट स्प्लैश आउट मतलब कि वो आपका रिएक्शन मिक्सचर आपकी स्किन पे गिर सकता है आपको चोट लग सकती है योर स्किन कैन बर्न सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज की यू हैव टू एड एसिड टू वॉटर नॉट वॉटर टू एसिड ठीक है हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ़ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड वन द सल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड एच थ्री ओ प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट होगा जब आप किसी एसिड को डायल्यूट करते हो एसिड को डायल्यूट कर रहे हो मतलब कि आप वाटर कॉन्टेंट बढ़ा रहे हो है ना वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो मतलब कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो H3O+ थ्री आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा क्योंकि किसी भी एसिड में एक फिक्स नंबर ऑफ़ एच थ्री प्रेजेंट आयन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम अब आप डाइल्यूट जब कर रहे हो वाटर और एड कर रहे हो तो उसमें तो वाटर का कॉन्टेंट भी बढ़ रहा है मतलब कि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कम होगा ठीक है सो हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन अफेक्टेड इट विल डिक्रीज ठीक है चलो हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आय अफेक्टेड एक्सेस ऑफ बेस इज डिजॉल्व इन अ अल्यूशन ऑफ एनएच अब आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयंस क्या कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट होगा जब एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस यू हैव एडेड इन अ अल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे बेसिकली ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा क्यों इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे आप एक्सेस बेस डिजोल्व कर रहे हो तो बेस के पास एनी वेज हाइड्रोक्साइड आयन्स या कह लो हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रेजेंट है एंड दैट यू आर एडिंग इन एन एच तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आय का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एक लिमिट तक बढ़ेगा देन इट विल एक्चुअली बिकम कॉन्स्टेंट ठीक है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम कॉन्स्टेंट You have two solutions A and B. pH of solution A is सिक्स तो आपके पास दो solutions हैं A और B. A का pH आपको दिया गया है छ बी का पी आपको दिया गया है आठ विच सल्यूशन हेज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विच एन ओ वन ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक अगर आपको याद हो पी एच ओर एच प्लस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है मतलब अगर एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पी एच कम होगा और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किस में होता है इन द केस ऑफ एसिड्स मतलब कि आप बोल सकते हो ऐसा सब्सटेंस जिसका पी एच कम होगा वो एसिडिक कैटेगरी में बिलोंग करेगा ठीक है तो ये जो है दिस इज़ योर एसिडिक सब्सटेंस इसके पास एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ज योर बेस ठीक है और वैसे भी अगर आपको याद हो पी एच स्केल में रेंजेस फ्राम जीरो टू फोर्टीन जीरो टू सिक्स वाला रेंज एसिडिक रेंज है एग्जैक्टली सेवन न्यूट्रल एट टू फोर्टीन आपका क्या होगा बेसिक रेंज होगा वॉट अफेक्ट ड्रेशन ऑफ एच प्लस आय है नेचर ऑफ सोल्यूशन सो ह्योर पी एच और एच प्लस आयन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है पी एच और एच प्लस आयन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस के पास H प्लस आयन कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा है है ना तो मतलब उसका पी एच विल बी लेस एंड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी एसिडिक दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी एसिडिक इन नेचर डो बेसिक सोलूशंस ऑल्सो हैव एच प्लस आयन्स इफ येस देन वाई आर दीज बेसिक क्या बेसिस या फिर बेसिक सोल्यूशन में भी एच प्लस आयन्स प्रेजेंट होते हैं अगर मैं बोलूँ बेसिस में बेस डू हैव एच प्लस आयन्स बट इन अ लेस अमाउंट ठीक है अब कोई भी चीज़ अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो उसकी डोमिनेंस वो वहाँ पर शो नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू एच प्लस आयन्स बेसिस में हाइड्रॉक्साइड आयन सब से ज्यादा होते हैं ठीक है ओ एच माइनस आयस आर मोर जिस वजह से हम उनको किसकी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ बेस वी कैटेगराइज दैम ठीक है सो दे आर कॉल्ड एज बेसिक क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्साइड आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एच प्लस आयन है बट इफ़ आई एम कम्पेयरिंग फॉर एग्जाम्पल ओ एच माइनस और एच प्लस जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो उस कैटेगरी को ज़्यादा बिलोंग करेगा दैट इज द रीजन कि हम उनको बेसिस बोलते हैं नेक्स्ट अंडर वॉट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वो ट्रीट द सॉइल ऑफ इस फील्स विथ क्विक लाइम स्लेग लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट कौन से सॉइल कंडीशन में एक फार्मर वु ट्रीट द सॉयल विद कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट सो बेसिकली पी एच अगर बहुत ज़्यादा कम है पी एच इज़ टू लो मतलब कि आपका सॉइल क्या है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर और अगर एसिडिक रेंज में बहुत ज़्यादा चला गया दैट इज नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ठीक है तो नॉट गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ठीक है सो इन दिस कंडीशन इफ द दॉइल इज टू एसिडिक तो फार्मर्स ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी ए सी एल टू सी ए सी एल टू सो दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर है ना दिस इज योर ब्लीचिंग पाउडर नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन ईल्स ब्लीचिंग पाउडर सो बेसिकली यहाँ पे अब अब जब आप क्लोरिन गैस पास कराते हो टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सो दैट इज योर ड्राई स्लेक्ड लाइम अब यहाँ पे ड्राई स्लेग लाइम ही क्यों लिया गया है कि इफ़ यू आर एक्चुअली टेकन मॉइसन और वे यू नो एक्वा सोल्यूशन आई वुड से तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इतना एफिशिएंट नहीं होता है सो यू आर टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर पासिंग क्लोरिन गैस टू ड्राई स्लेग लाइम तो वो फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर ठीक है Name the sodium compound which is used for softening hard water. So that is your washing soda Na2CO3.10H2O sodium carbonate decahydrate. What will happen if a solution of na co 3 is heated? So if you heat heating Na2CO3, so it will form Na2CO3 plus H2O प्लस सीओ टू ठीक है यहाँ पे जो गैस बन रही है दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्री टू सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ एंड वाटर तो प्लास्टर ऑफ पैरिस आपका क्या है सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पैरिस इसका रिएक्शन विद वाटर सो इट विल फॉर्म जिप्सम

सो बेसिकली यू हैव टेकन अ बीकर जिसमें आपने सल्यूशन लिया है इसमें इसने लिया है डायलूट एच सी एल सल्यूशन दो बेसिकली यहाँ पे इसने रबर फर्स्ट ऑफ ऑल रबर कॉक लिया हुआ है एंड इलेक्ट्रोड्स आर एक्चुअली देयर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड स्विच लगाया गया है स्विच को जब ऑन करोगे सो so, uh, यहाँ पे बल्ब भी लगाया गया है टू शो कि भाई बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा तो इन द केस ऑफ एचसीएल सी यहाँ पे आपके पास फ्री एच प्लस आयन्स हैं फ्री मोबाइल आयन्स है आयन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है तो इस केस में बल्ब विल ग्लो लेकिन अगर आप एल्कोहल या ग्लूकोज ले रहे हो उस केस में देर आर नो फ्री एच प्लस आयन्स या मोबाइल आयंस जिस वजह से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा बल्ब विल नॉट ग्लो

फ्री मोबाइल आयन्स हैं फ्री मोबाइल आयन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है रेन वाटर ठीक है वाई एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एबसेंस ऑफ वाटर तो इन द एबसेंस ऑफ वाटर देर इज नो आयोनाइजेशन ठीक है कि भाई अगर आपने ड्राई एच सी एल लिया तो वो तो टूटेगा ही नहीं इन टू एच प्लस और सी एल माइनस अगर आपने है सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल एक्चुअली ब्रेक इन टू एच प्लस एंड सी एल माइनस तो वो एसडिको करेगा इन द प्रेन्स ऑफ वॉटर फाइव सल्यूशन ए बी सी डी एंड ई आर गिविन एंड टेस्टेड यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शोज पी एच एज फोर वन इलेवन सेवन एंड नाइन रिस्पेक्टिवली विच सल्यूशन इज न्यूट्रल तो यहाँ पे आपका ऐसे मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी ई कितना कितना है पी एच फोर वन इलेवन सेवन नाइन ठीक है सो आई थिंक डी विल बी न्यूट्रल स्ट्रांगली एल्कालाइन ये फो अच्छा स्ट्रांगली एल्कालाइन तो फिर यहां पे आपका सी होना चाहिए है ना स्ट्रांगली एल्कालाइन विल बी योर सी

मोर फास्ट सो इन केस ऑफ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसका स्ट्रोंग एसिड का ठीक है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जिस वजह से फिजिंग जो है रिएक्शन जो है बहुत विगरेसली होगा एसिडिक एसिड acid के बारे में बात करूं तो वो एक वीक एसिड है ठीक है सेपरेशन ऑफ आयन इतना ईजिली नहीं होता या फिर आप कह लो पार्शियल डिसोशिएशन होता है अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज बात करूं यहाँ पे फिजिंग साउंड यहाँ पे रिएक्शन मोर रैपिडली होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्योंकि एच जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है ओके फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ सिक्स हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड तो फ्रेश मिल्क का पीएच जो है वो छः है तो वो बोल रहा है कि पीएच कैसे चेंज होगा जब वो कर्ड में चेंज हो रहा है तो कर्ड में चेंज हो रहा है कर्ड जो है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली पी विल डिक्रीज क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस का पी एच विल ऐसे सब्सटैसे जिनका पी एच जनरली इन द 0 टू सिक्स वाला रेंज सो इफ इट मिल्क इज चेंजिंग टू कर्ड मतलब एसिड में कन्वर्जन हो रहा है सो पी एच क्या होगा कम होगा मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क वाई डज ही शिफ्ट द पी एच टू स्लाइटली एल्कलाइन वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड तो बेसिकली मिल्क मैन जो दूध वाले होते हैं वो थोड़ा अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालते हैं टू फ्रेश मिल्क और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वाई ही इज शिफ्टिंग द पी एच टू स्लाइटली एल्कलाइन ताकि टू प्रिवेंट कर्डलिंग ऑफ मिल्क ठीक है टू प्रिवेंट कर्डलिंग ऑफ मिल्क ताकि मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन ना हो अब वाई डज़ दिस मिल्क टेक अ टाइम लॉन्ग टाइम क्योंकि यहाँ पे उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड किया है तो अगर एसिड में कन्वर्जन हो भी होना भी चाह रहा है तो बेकिंग सोडा जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहा है क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है दिस इज़ योर बेस तो वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है दैट्स वाई इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम प्लास्टर ऑफ पैरिस शुड भी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एक्सप्लेन वाई क्योंकि प्लास्टर ऑफ पैरिस में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर या पानी का कॉन्टेंट आ जाता है सो इट गेट्स कन्वर्टेड इं टू जिप्सम ठीक है सो इट शुड भी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर क्योंकि मॉइस्चर कैन अफेक्ट द प्लास्टर ऑफ पैरिस बाई स्लोइंग द सेटिंग थिंग बिकॉज इट विल यू नो डिस्टर्ब इट्स हाइड्रेशन प्रॉपर्टी सॉरी हाइड्रेशन कह रही हूँ सेटिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो अगर वाटर उसमें एड ऑन भी हो गया तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस जहाँ पे क्या फॉर्म होता है इट विल फॉर्म सॉल्ट और वॉटर तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल एन और एच का ले लूँ सो इट विल फॉर्म एन और एच टू एच एच टू ओ और दूसरा एग्जाम्पल्स के के ओ एच या एच एन ओ थ्री ले लूँ सो इट विल फॉर्म के एन ओ थ्री प्लस वाटर गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा तो वॉशिंग सोडा फर्स्ट ऑफ ऑल एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एन एच टू है विच इज इज यूज एज अ क्लेंजिंग एजेंट और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी यूज होता है बेकिंग सोडा एंड एसिड की तरह यूज होता है इट इज ऑल्सो एडेड इन यू नो पकौड़ाज टू मेक इट क्रिस्पी और ऑल्सो यूज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर चलो सो सिंसियोर पीरियडिक टेस्ट सीरीज़ हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप मेक श्योर sure करना कि आप साइन इन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका पीरियोडिक टेस्ट काफ़ी अच्छा जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको ठीक है सो द लिंक इज़ ऑलरेडी मैंशन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स